भिंड जिले में लाहार पुलिस को एक खेत में छिपाई के कई छिपाए अवैध बंदूक मिली है, जिस पर लाहार थाना प्रभारी शिव सिंह यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके जमुहा गांव में एक राजावत परिवार के दो भाई अजीत सिंह और अवधेश सिंह के बीच पारिवारिक विवाद के बाद नाते रिश्तेदारों की मौजूदगी में पारिवारिक बंटवारे के लिए खेत की नाप जोख चल रही थी। इस बीच किसी ने बगल वाले खेत में अवैध हथियार देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पूरा मामला भिंड जिले के लाहार थाना अंतर्गत जमुहा गांव के हर का है, जहां दो भाइयों का जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। वहीं दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो रहा था, उसी दौरान खेत की मेड़ पर बने कुएं के पास एक 315 बोर का कट्टा और 315 बोर के 12 जिंदा राउंड, एक 32 बोर पिस्टल, माय मैगजीन में फंसे हुए 32 बोर के दो जिंदा राउंड मिले। सूचना पर लाहार थाना पुलिस विवेचना करने के लिए ग्राम जमुआ मौजा के हार में पहुंची और बताए हुए स्थान पर पहुंचने के बाद खेत पर सर्चिंग की गई, तो वहां अवैध हथियारों को पुलिस ने जब्त किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों से संबंध में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी किसी प्रकार की कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ में जुटी है। जो नाप है वो आपसी में परिवार का बंटवारा हो रहा था, इसमें उनके परिवार के लोग तथा रिश्तेदार आए हुए थे। वहाँ आपसी बंटवारा चला था, राय समरण नहीं था, तो उसमें जो है किसी ने मुखबिर सूचना दी कि वहाँ एक बगल का खेत भी महाराज सिंह का खेत, उसमें पिस्टल और कट्टा रखे हुए कुछ राउंड भी। पुलिस ने वहाँ जाकर के सर्चिंग की, उस खेत में एक कट्टा, पिस्टल और 10 राउंड मिले जो जब्त किए, और इसकी तलाश की जा रही है कि यहाँ किसने